हड्डियों में मसाज हो रही है तस्ता। चिट्ठी आई है, खेल रही थी हमारे साथ, खा गई पूरा चिप्स का पैकेट उछल उछल के। गुड मॉर्निंग नोमैड्स, वेलकम टू एपिसोड नंबर 6 ऑफ स्पीडी बैक टू द ओरिजिन सीरीज। जैसे कि आप चारों तरफ देख सकते हैं कि हम काजा की ब्यूटीफुल वादियों से घिरे हुए हैं, और पीछे आपको काजा टाउन का एक छोटा मोटा व्यू भी दिख जाएगा यहाँ पे, क्योंकि हम ऑलरेडी थोड़ा सा ऊपर आ चुके हैं अवे फ्रॉम काजा टाउन। तो आज का हमारा प्रोग्राम क्या है, हम बहुत ही टूरिस्टी चीज़ें करने वाले हैं आज, क्योंकि कुछ ना कुछ भी कर लो एक टूरिस्ट तो हमारे अंदर है ही। और आज हम जा रहे हैं 2 हाइएस्ट पॉइंट्स ऑफ काजा। नंबर 1 हाइएस्ट पोस्ट ऑफिस विच इज़ हिकिम, एंड नंबर 2 हाइएस्ट मोस्ट ट्रेबल विलेज विच इज़ कॉमिक। बट इन दोनों के बारे में और बात करेंगे वहां पहुंच के। मजेदार जगह है कि नहीं है? बस प्रिया ने ये पूरी गाड़ी वसूल ली है, इसके बोनेट में छेद हो गए होंगे अभी तक। कैसा मजा आता है, बहुत मजा आता है। बहुत कमांडिंग पोजीशन है, पिक्चर्स भी टॉप क्लास आती है यहाँ पे बैठ के। तो एक पॉइंट ये है कि थार इसलिए ले लो, बोनेट अच्छा, उस पे ऊपर आदमी बैठ करके भी बात कर सकता है। Take me away from home. Show me all the places I've never known. And we'll chase the night. Race all of these broken dreams in flight. And we'll fly. सो गाइस, दिस जंक्शन दैट यू सी, सीधा रास्ता जो है वो लांगजा की तरफ जाता है। हम लोगों को ये हेयर पिन बैंड लेना है टू गो टुवर्ड्स कॉमिक एज वेल एज हिकिम ऑफ कोर्स। Bound only by frozen memories, lost in time, racing all the... आप लोग सोच रहे होंगे कि हम लोगों ने आज टॉप डाउन क्यों नहीं किया है, तो बॉस हम दोनों झुलस चुके हैं टोटल। पूरा मतलब इट इज नॉट इवन अ टैन, हम लोग जल गए हैं। Like a monkey's bum, लाल लाल दो। तो we are completely sunburned, तो हमने सोचा आज थोड़ा रेस्ट लेते हैं, बाद में थोड़े टोरी होएंगे। The roads have really improved since the last time we came here. बहुत ज़्यादा चौड़ी हो गई हैं compared to पिछली बार। हम लोगों का लास्ट टाइम का एक्सपीरियंस ऑलमोस्ट रोड उतनी चौड़ी थी जितनी गाड़ी थी, है ना प्रिया? ऑलमोस्ट यार, और कभी कभी तो लगता ही नहीं था कि आगे रोड है, मतलब इट वाज सो ब्लाइंड एंड सो नैरो। और लैंडस्लाइड्स वगैरह यहाँ पे बहुत कॉमन फिनोमेना था, और हम लोगों ने लास्ट टाइम जब क्रॉस किया था तो लिटरली सड़क गायब थी, हम लोग पूरे रेत के टीले के ऊपर से क्लिफ क्रॉस किए थे। ये जो आप कॉन्क्रीट की सड़क सामने देख रहे हैं, तो जब हम लोग आए थे तब इसकी कंस्ट्रक्शन स्टार्ट हुई थी, इतने सालों में इसके इट हैज ऑल्सो टेकन इट्स टोल ऑन दिस रोड, बट द अप्रोच हैज बिकम फार ईजियर देन व्हाट वी हैड एक्सपीरियंस्ड at that time. As you can see that I'm already at the highest post office in the world, and I'm just going to see if it is open right now. I'm going to post a postcard to myself from here. And this patla sa trail that you see, this leads to that post office. That's the actual post office. It's somebody's house. So here I am at the highest post office in the world at Hikkim. ये है वो इंसान जिनकी वजह से लोगों के संदेश, लोगों की चिट्ठियां पूरे वर्ल्ड में जाती है। इट्स नॉट इजी दिस वर्क, एंड आई एम सुपर एक्साइटेड टू पोस्ट दीज पोस्ट कार्ड्स टू माई सेल्फ फ्रॉम दिस हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस। आई एम सुपर एक्साइटेड टू डू दिस। आई नो इट्स साउंड्स वेरी क्रेजी, बट यस, इट गिव्स मी द किक्स। अप देयर इज वेयर आई हैव टू गो, एंड सैम हैज पार्क द कार ओवर देयर। Our warrior is coming back from the trail. Mission accomplished. I was able to post the postcard to myself from the highest post office in the world. But easy nahi tha niche jana aur upar aana from 15,000 feet. I'm panting. Now I need water and some rest. Bye, Sam.
चिट्ठी आई है खेल रही थी हमारे साथ। सो गाइज वी आर डन विद आवर विजिट ऑफ द हाईएस्ट पोस्ट ऑफिस इन द वर्ल्ड एंड इट्स क्वाइट अ चैलेंजिंग जॉब। मैं वहाँ पर नहीं नीचे उतर पाया क्योंकि मेरी टांग क्योंकि एक्सीडेंट के बाद टूटी हुई है, तो उस वजह से मैं जब ये नीचे उतरता हूँ अगर ऐसे टाइप के ट्रेंचरस टेरेन पे तो बहुत ज़्यादा टांग में दर्द होती है। तो प्रिया डिड द शूट एंड शी डिड अ वंडरफुल जॉब ऑफ इट। She is not so acquainted with the cameras. मतलब हमारे लिए तो बहुत romance लगता है, बहुत glamorous लगता है इतने high post office in the world. But इनके पास पिछले 15 से 20 दिन से एक मामूली एक stamp जैसी मामूली चीज नहीं पहुंच पाई है. So तो भावनाएं समझ जाओ. भावनाएं समझ जाइए. Exactly. तो अब हम लोग जा रहे हैं basically Comic, which is the highest motorable village in the world supposedly. It's still debatable. तो आपको अभी वहां की दिनचर्या दिखाते हैं। देखिए पूरा प्लेटून है शीप्स का और ये देखिए व्यू, द व्यू इज टू डाई फॉर। और बहुत हार्श कंडीशंस हैं इन लोगों के लिए, बेचारों के लिए, लेकिन क्या अमेजिंग ब्यूटीफुल दिखने वाली वर्क प्लेस है। पिछली बार से सिर्फ एक चीज नहीं बदली है बॉस, इधर इस जगह पे अभी भी नेटवर्क नहीं है और इधर अभी भी मैप्स आपको गलत जगह पे ही पहुंचाते हैं। While we are saying obviously we have to save the eco-sensitive zone, but now that the tourists are coming and the roads are not easy to come by, so it wouldn't hurt to have proper signages basically. Comic के तो अतवारी बदल गए हैं और काफी development दिखने लगी है with the influx of tourists. मतलब इतनी buildings पहले यहाँ पर होती नहीं थी और बहुत ही खूबसूरत village है। I don't know अभी world's highest है कि नहीं है, कीप द प्रोपेगेंडा असाइड, दैट्स अ रिलेटिवली न्यू कॉम्पा एंड दैट वन इज द ओल्ड वन। प्रिया इज राइट नाउ इंटरेक्टिंग विद सम लोकल। तो आज के दिन लामा वगैरह यहाँ पर नहीं है इन द कॉम्पा क्योंकि आज का लॉकडाउन चल रहा है, उन लोगों को काजा से आना पड़ता है, दैट्स व्हाट द लोकल सेड। सो इन द एब्सेंस ऑफ लामास दे टेक केयर ऑफ द गोम्पा, सो ही जस्ट गेव मी दीज टू पूजा थ्रेड्स, इट जस्ट फील्स नाइस टू टेक बैक सम ब्लेसिंग्स। स्पीति इज हमारी सैम और मेरी बहुत फेवरेट जगह तो है ही, बट इस बार कुछ एक अलग से हटके चीज़ है। जैसे कि यू नो दैट येस्टरडे वी वेंट टू गेटे एंड टुडे वी आर गोइंग टू डेमूल विच इज फर्दर अप फ्रॉम दिस कोमिक विलेज। वैसे तो कहते हैं कि कोमिक इज द हाईएस्ट मोटरेबल विलेज, तो अगर मैं डेमूल मोटर लेके जा रही हूँ तो क्या वो हाईएस्ट मोटरेबल विलेज नहीं हुआ क्या? तो आपको अब समझ में आ गया होगा कि हम दोनों में से खुजली प्रसाद चौरसिया है कौन ये। सो गाइस थोड़ा डेमूल का थोड़ा वापस खेला हो गया अपना क्योंकि मैं आपको दिखाता हूँ वो जो टर्निंग दिख रही है बस वहीं तक रास्ता खुला है, बाकी वहाँ पर कल दो लोग गाड़ी के साथ फंस गए थे क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा आइस जमी हुई है। सो 5 किलोमीटर का टोटल रास्ता है उसके पीछे देमूल जाने का, देमूल की तरफ जाने का कोई सेंस नहीं क्योंकि हम लोग देमूल तो पहुँचेंगे ही नहीं, तो फिर देमूल की तरफ जाके क्या करेंगे। थोड़ी वापस एक स्पेशल लोकेशन पर जाते हैं क्लोज टू आवर हार्ट्स, वो क्या है लांगजा। बुद्धा जी को थोड़ा और बोर करते हैं, पिछली बार थोड़ा ज़्यादा बोर नहीं किया था, 3-4 घंटे निकाले थे, आज थोड़ा और चबा डालेंगे उनको। मेरा अभी भी एक हिडन एजेंडा है, लास्ट टाइम हम लोग लांगजा में गए थे तो इतनी ज़्यादा हवा चल रही थी, सारे इक्विपमेंट उड़ के सब कुछ हो गया, तो मेरा महिंद्रा थार का वीडियो टोटल फेलियर हो गया। तो आज जा कर के एक बार किस्मत आजमा के देखते हैं, अगर थोड़ा अच्छे कंडीशंस रहे और बहुत ज़्यादा विंड नहीं रही तो वहीं शूट करेंगे, नहीं तो थोड़ी कोई और अलग एग्जॉटिक लोकेशन वहाँ ढूंढनी पड़ेगी ना भैया, क्या कर सकते हैं भैया। आई विल टोटली रिकमेंड दिस रोड कमिंग फ्रॉम कोमिक गोइंग ऑल द वे टू लांगजा, क्योंकि फ्रॉम द लुक्स ऑफ इट ये रोड कोई नहीं लेता है, तो हमारे लिए अच्छा ही हो गया कि हम लोग थोड़ा नया रूट एक्सप्लोर कर पाए। और क्योंकि इस रोड पर कोई है नहीं, जाता नहीं है, प्रेफर्ड रूट भी नहीं है, तो ये पुरानी स्पीति की यादें दिलाता है, तो आपको थोड़ा एक अलग तरह का एडवेंचर महसूस होगा इधर, तो आइएगा ज़रूर, अच्छी जगह है, अच्छा रोड है और बहुत सीनिक है यार। पहाड़ों के व्यूज़ वगैरह तो आप देख ही रहोगे फ्रंट कैमरा में, माइंड बॉगलिंग है, सामने तस्वीर खींची हुई है और उसके बाजू में आप चल रहे हो, मोटी खाई जा रही है, इतनी ऑफ रोडिंग में भी बंदी का स्पिरिट नहीं हिला है,
खा गई पूरा चिप्स का पैकेट उछल उछल के पर ऐसे हिल रहे हैं कि खाना पूरा नीचे पहुंच गया ऑलरेडी ग्राउंड फ्लोर पे। हड्डियों में मसाज हो रही है तस्ता। ये देखो मुंडू गाड़ी साफ कर रहा है, मैंने पूरा इसको पैसे पूरे पहले से एडवांस में दे के रखे हैं। ये वाली सीट ना बहुत एक्सपेंसिव है। देयर इज द बुद्धा जी की मूर्ति, बिकॉज दिस टाइम वी आर अप्रोचिंग इट फ्रॉम अ डिफरेंट डायरेक्शन एंड नॉट द सेम डायरेक्शन जब हम काजा से आए थे, एंड दैट्स द विलेज ऑफ लांगजा। तो लांगजा हम लोग पीछे से अप्रोच कर रहे हैं, तो अगर आप काजा से आएंगे तो आपको बुद्धा की जी का स्टैचू सामने से दिखाई देगा थोड़ा रिलेटिवली। हम लोग जहाँ से जा रहे हैं हमें बुद्धा जी का स्टैचू अभी यहाँ से हिंट दिखाई दे रहे हैं पीछे की तरफ से। बट बहुत इंटरेस्टिंग एक्चुअली, यू नो, डिफरेंट एंगल से इतना मैजेस्टिक स्टैचू को देखना एक्चुअली। फिलहाल तो आप ऑफ रोड के मजे भी आ रहे हैं। गाइस जो आप पीछे देख रहे हो वो रास्ता जहाँ से हम लोग आए, और ये वाला जो रास्ता आप देख रहे हो ऑल द वे, ये काजा से आता है। तो अब हम लोग उस रास्ते के साथ मर्ज कर रहे हैं और अब हम लोग सीधे टूवर्ड्स लांगजा जाएंगे। गाइस हम लोग बस बुद्धा जी की मूर्ति के पास पहुंच ही गए हैं, और इसके बाद आप बस इंस्टा 360 डिग्री कैमरा के व्यूज के लुत्फ उठाइए बस। पीती ट्रिप में ये दूसरी बार है कि हम लांगजा आए हैं। अब आप सोचेंगे अब ऐसा भी क्या इस जगह में कि आप हम दो दो बार लांगजा आए हैं। ये वो जगह है जहाँ पे जब एशिया और यूरेशिया का टेक्टोनिक प्लेट आपस में मिले थे, विच एक्चुअली गेव बर्थ टू द माइटी हिमालयाज। तो उस टाइम पे एक टेथिस सी करके होता था जो कि उस आई वुड से टेक्टोनिक कोलिजन पे ख़त्म हो गया, और उसमें जितने भी मरीन एनिमल्स थे दे बिकेम फॉसिल्स इन दीज माउंटेन्स, जहाँ पे उन सब मरीन एनिमल्स का फॉसिल्स मिलते हैं। सो द मैक्सिमम फॉसिल्स दैट यू गेट here are ammonites, and Sam and me both like exploring places like these, and that explains the reason why we are here for the second time today. Ye nikal gaya hamara singhasan, let's chill now. Meri chair to de de, wo bahut bhari hai, tu khud se nikal. हम लोगों ने यहाँ पे बहुत टाइम पास किया, अभी एक घंटा हो चुका है। बुद्धा जी को हम लोगों ने बहुत परेशान किया है, ये हमसे तंग आ चुके हैं, अभी अपने घर से हमें निकालना चाहते हैं। तो आज का स्केड्यूल मेरा ये है कि मैं यहाँ पर एक्चुअली वापस एक बार फिर महिंद्रा थार का रिव्यू करने के लिए आया था, बट एज लक वुड हैव इट जैसे पिछली बार भी यहाँ पे हवा बहुत चल रही थी, अभी भी हवा बहुत चल रही है, तो आई कैन नॉट टेक्निकली शूट अ वेरी गुड वीडियो बिकॉज आवाज़ उतनी क्लियर नहीं आएगी। तो अब मैं जा रहा हूँ एक नेक्स्ट लोकेशन पे जो कि बड़ी अच्छी लगी थी हम लोगों को, हमारे दिल के काफ़ी करीब हो गई है, तो वहाँ जा कर के हम लोग महिंद्रा थार का वीडियो शूट करने वाले हैं। कोई तकलीफ नहीं आएगी, कोई मसल करने की जरूरत नहीं है। वी हैव जस्ट फिनिश्ड शूटिंग द रिव्यू वीडियो एंड प्रिया इज गोना गेट द कार आउट। फट गई बॉस ठंड से, मेरा ये रिव्यू वीडियो शूट करने के लिए नोमैड सैम के अवतार में आने के लिए मेरे को ये जैकेट निकालना था, तो अब मेरा हाथ सुन हो गया। मैंने अभी बस बहुत ठंड में करा है बॉस, बहुत ठंड में करा है तो अभी रैप अप करते हैं और सीधे होटल में मिलते हैं। अरे भाई मुझे रियलाइज हुआ मैंने हम लोगों को होटल का टूर तो कराया नहीं है, लेट मी जस्ट शो यू द होटल। सो दैट्स आर होटल, होटल डेजोर, इट्स वेरी फेमस इन काजा एंड आई विल टेल यू व्हाई। सो क्यूट, ही इज पेटू निकाल के। चलो सीधा बैठो, अभी सीधा बैठो। नहीं, ही इज नॉट रेडी। बच्चे The great part about this property is that it's not built by some hotelier. It's built by travelers for travelers,
and every wall has a story. As you can see, as I'm walking along, every wall has something to say. And it's beautiful, very tastefully done up. Beating heart of all of this is Karan and Kim, who are running this place with a lot of passion. And that's the bed. And you'll see stories all along. हम लोगों ने थोड़ी खराब कर दी है बट बहुत खूबसूरत प्रॉपर्टी है बॉस. आई विल डेफिनेटली रिकमेंड इट एंड आप लोग डेफिनेटली इधर आइए और इस जगह का आनंद लीजिए. एंड आई एम फीलिंग अ बिट ब्रेथलेस राइट नाउ क्योंकि मैं ठंड से सिकुड़ चुका हूँ. सो ऑन दैट वेरी नोट आई वुड लाइक टू क्लोज दिस एपिसोड नंबर 6 ऑफ स्पीति बैक टू द ओरिजिन सीरीज. एंड आई विल सी ऑन एपिसोड नंबर 7 ऑन अनदर एडवेंचर. इफ यू हैव लाइक द वीडियो प्लीज हिट द लाइक बटन. इफ यू हैव एब्सोल्युटली लव द वीडियो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन. इन फैक्ट डोंट हिट द सब्सक्राइब बटन, यू नो, स्मैश इट. बिलीव इट, दे एक्चुअली सेंट द पोस्ट एंड आई एम सो एक्साइटेड वी गॉट इट.